फोटोग्राफर कुर्रतुलैन हैदर। मौसमी बहार के फूलों से घिरा बेहद नजरफरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बलखाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वालरस की ऐसी मूछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई महसल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान कातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब महसल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पाड़ी छोड़कर कहा जाए, इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहिब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जुकादरी उहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थीं और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चोबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमेरिकन आने लगे थे, फिर मुल्क को आजादी मिली और इक्का दुक्का सयाह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े या सव्वीर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं, ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नजारा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका जिंदगी में वजूद नहीं क्योंकि हम जहां जाते हैं फना हमारे साथ है, हम जहां ठहरते हैं फना हमारे साथ है, फना मुसलसल हमारी हमसफर है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश है। एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आनकर उतरे। ये दोनों अंदाज से माह असल मनाने वाले मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल काली परी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और इसके बाद तीन बेडरूम। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा, लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के स्टिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े तब्दील करके स्टिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था लेकिन समाज से आरी था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए।
झील के दूसरे किनारे पर क्सबे की रोशनियां झिलमिला उठी थीं। उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो कामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा कर लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड उसके सामने मेज पर रखे थे। सयाह अपने घर कत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरस्रार मशरिक के एक पुरस्रार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरस्रार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर स्टिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफतन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सूंसू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना न भूलना, नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ शब खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनुक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंधार मेज की दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना सियाह कीमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हाल में फूल महक रहे थे। ताबे के बड़े बड़े गुलदान बरासों से चमकाए जाने के बाद हाल के झिलमिलाते चोबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और दो सफेद तितलियां सब्जे पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि तुम फ्ला फिल्म स्टार तो नहीं, नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने उनका नाम भी न सुना था। नौजवान उस लड़की से भी ज्यादा मशहूर मूसीकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई न पहचान सका था। उन दोनों को अपनी इस आरजी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ते करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की कामोश मसर्रत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुल महर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी, लड़की ने घड़ी देखी, हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी फोटोग्राफर ने पाव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर कारजार हयात में घमसान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है, इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा, इधर आइए।
बड़ा लसान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली जो गोया अब तक अपने क्यू का मुंतजिर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्मे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने जरा मुस्कुराते हुए, आंखें जरा सी चुंधियारी थीं। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर, फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसीय और कामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने ही में न आती थीं। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी न थी। सुबह को लड़की अपने कमरे ही में थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहिब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, इस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद न रही और जाते वक्त काली कमरे पर एक सरसरी सी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी, कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वालरस की ऐसी मूछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फिजाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उनमें से सिर्फ एक कातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक उधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीम की कुर्सी पर बैठा था। कातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गईं। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे। ताबे के गुलदान ताजा फूलों के इंतजार में हाल के फर्श पर रखे झलझल कर रहे थे और ड्राइंग हाल में दरीचे के नीचे सफेद बुराक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद कातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गईं और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगीं। चाय के बाद वो काली स्टिंग रूम में जा बैठीं और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गईं। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गईं, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटें तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था। स्टिंग रूम भाय भाय कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंघार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले काकस के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उसका नाम लिखा था। कातून ने जरा तजुब से लिफाफा बाहर निकाला।
एक कॉकरोच काकस की तह में से निकलकर कातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहलकर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरककर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का काकस पीला पड़ चुका था। कातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। कातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर कातून ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंघार मेज की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर काकस के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई, और यहाँ का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की, फिर कातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। कातून कहती रही, उनकी आवाज भी बदल चुकी थी, चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी, और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला, मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी, नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है, और आपके साथी फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था न कि कारजारेहियात में घमसान का रन पड़ा है, उसी घमसान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया, और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज, कातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वालरस की ऐसी मूछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीम की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे।